उदाहरण नौ विषय हिंदी पद्य चार कर्ण का जीवन दर्शन। कवि रामधारी सिंह दिनकर, जन्म सन 1908, निधन ईस्वी सन 1974। कवि का परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुगरे जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय की उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओझ है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष। उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, पुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के चार अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। यह है रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय। और हम काव्य पंक्तियां देखेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धनों को भरती रहे सदा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच का वार्तालाप है। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मुझे वैभव यानी कि धन दौलत, विलास और सांसारिक सुख। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मुझे धन दौलत और सांसारिक सुख को भोगने की इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मैं अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करता हूँ, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरी उनकी बस एक यही इच्छा है कि करतल, करतल का अर्थ होता है हथेली। तो भगवान श्री कृष्ण को कर्ण कहता है कि केवल दान की देव सरिता निर्मल। तो हे केशव, मेरे हाथों से दान की निर्मल, के निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, नदी सदा झरती रहे, झरती का अर्थ होता है बहती रहे, निर्धनों को भरती रहे सदा, यानी कि और निर्धन लोग है वो सुखी सुखी बने, यही मेरी इच्छा है।